हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई फ्रैक्शन आपकी बड़ी है या फिर छोटी है और या फिर इक्वल है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करें। वही इस बारे में बात करते हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत ही ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा और कौन सा छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है 7/8 और 5/3। अब इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ जाएगा 21, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आता है 40। क्योंकि 40 बड़ा है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो ये वाला फ्रैक्शन है आपका वो भी बड़ा हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह का साइन लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से आप जो है साइन यहां पर लगा सकते हैं कि ये वाला जो फ्रैक्शन है आपका वो बड़ा हो जाए। तो ये तो बहुत ही बेसिक आइडिया कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको 2/3 और 7/8 में से फिगर आउट करना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, राइट? तो आप आपस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई 8 2 कितना होता है, 8 2 होता है 16 और 3 7 कितना होता है 21। तो क्योंकि ये वाला नंबर आपका बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा आइडिया मैं आपको बताता हूं, ठीक है? दूसरा आइडिया क्या होता है वो आप ध्यान से समझिएगा। दूसरा आइडिया है दोस्तों, आइडिया नंबर जो बी है वो है सेम गैप। अगर आपका गैप जो है वो सेम है तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए दिया हुआ है 6/7 और दिया हुआ है 5/6 और दिया हुआ है आपको 7/8 और आपको दिया हुआ है 4/5। अगर आप इनके अंदर ध्यान देंगे, यहां पर भी 1 यूनिट का गैप है, यहां पर भी 1 यूनिट का गैप है, यहां पर भी और यहां पर, राइट? लेकिन एक एक चीज का जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस ये कि ये वैल्यू जो है वो थोड़ी छोटी है, ये वैल्यू और छोटी है, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है, सबसे बड़ी है बल्कि, और ये थोड़ी छोटी है। तो ऐसे केस में जब आपका गैप सेम हो और आप देखो कि ऊपर वाले नंबर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर हर एक केस में डिनोमिनेटर छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो इस तरह का पैटर्न दिख रहा हो, गैप भी सेम दिख रहा हो, तो जो नंबर आपका सबसे छोटा होता है, वाले नंबर सबसे छोटे हैं तो यही स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएंगे, और ये वाले नंबर आपको सबसे बड़े दिख रहे हैं तो यही लार्जेस्ट नंबर कहलाएंगे, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन आपको स्मॉलेस्ट दिख रहा है वो स्मॉलेस्ट कहलाएगा, जो आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन दिख रहा है वो लार्जेस्ट कहलाएगा। तो ये दूसरा आइडिया था। एक और आइडिया है, तीसरा आइडिया, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। और वो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल आइडिया है, वो आपको हमेशा काम आएगा। तीसरा आइडिया है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 और 2/3 और 4/5। आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनका एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर्स का। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेंगे, तीनों को प्राइम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 30 आ जाएगा। तो तीनों नंबर्स को 30 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सॉल्व करें कितना आएगा आपका, देख लेते हैं। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3 10 30, 3 1 3 और 10 2 20 हो जाएगा, राइट? और 5 6 30, 6 4 24। तो ये सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है, उससे बड़ा फ्रैक्शन ये है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये। तो आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देना, और इन तीन तरीकों से आप कोई सा भी फ्रैक्शन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ये आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है दोस्तों, एक फ्रैक्शन दे रखा है 7/6, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको 7/9, एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 4/5 और एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 5/7।
अब आप लोग के दिमाग में तो यही आएगा कि सीधा एलसीएम लो और छुट्टी खत्म कर लो, जल्दी हो जाएगा। लेकिन और भी रास्ते हैं क्वेश्चन को करने के, और क्या रास्ते हैं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई आप देखें कि यहां पर 6 से बड़ा है 7, राइट, यहां पर छोटा है, यहां पर छोटा है और यहां पर छोटा है। तो क्योंकि आपको पता है कि भाई आप एक बात समझे, दिमाग लगाए कि यहां पर लिखा है 4 और 4, अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आता है 1। अगर मैं ऊपर वाला नंबर छोटा कर दूं, ऊपर वाला नंबर छोटा कर दूं तो आंसर 1 से छोटा हो जाएगा, और अगर मैं ऊपर वाला नंबर बड़ा कर दूं तो आंसर 1 से बड़ा हो जाएगा। तो अब इसमें सिर्फ ऊपर वाला बड़ा है 1 में, बाकी सब में छोटा है, इसका मतलब ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, आप आसानी से ढूंढ सकते थे लार्जेस्ट। अच्छा, अगर मुझे बाकी तीनों में से स्मॉलेस्ट ढूंढना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहूंगा कि आप देखें यहां पर भी 2 का डिफरेंस है, यहां पर भी 2 का डिफरेंस है, तो जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा, तो इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये तो बड़ा है, राइट। तो एक ये छोटा है, अब देखते हैं कि ये ज्यादा छोटा है या ये ज्यादा छोटा है। तो 7 4 होता है कितना होता है, 7 4 होता है 28, 5 5 होता है 24, तो ये सबसे छोटा है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट। तो सारे आइडियाज को मर्ज करके हम एक क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने आसानी से निकाल दिया कि ये सबसे लार्जेस्ट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट। और या फिर आप डायरेक्टली एलसीएम लेकर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। अब मैं आपका क्वेश्चन देता हूं, आप लार्जेस्ट फ्रैक्शन मुझे ढूंढ करके उसमें बताइएगा। फ्रैक्शन आपके लिए यह है 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। इनमें से आपको बताना लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी। आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें और देखें कौन सी लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, और मैं आपको सॉल्यूशन समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। पहला मेथड तो वही है, आप सीधा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर उसके अलावा और क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। तो आप देखें यहां पर सबसे आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन ढूंढना है। आप एक दिमाग लगाए बड़ा सिंपल सा कि 7 का हाफ होता है, 7 का जो हाफ होता है वो होता है 3.5, ये उससे भी छोटा है, मतलब कि ये जो आंसर है ना ये 50% से भी कम वैल्यू दे रहा है, जबकि ये आपको दिख रहा है कि ये 33% होता है ना 1/3, तो ये तो काफी कम है, जबकि इसको देखोगे आप और इसको देखोगे तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। तो आप इनमें से चेक कर लो, कोई ना कोई लार्जेस्ट होगा, 4 5 20, 6 3 18, तो ये वाला आपका लार्जेस्ट आ गया। तो आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में सोच सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में सोच सकते हैं, अगर गैप सेम है तो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप ये भी देख सकते थे कि भाई यहां पर भी 1 का डिफरेंस है, यहां पर भी 1 का डिफरेंस है, ऊपर वाला दोनों में छोटा है, नीचे वाला दोनों में बड़ा है, तो बड़ा वाला बड़ा हो गया, छोटा वाला छोटा हो गया, तो भी आप कह सकते थे कि लार्जेस्ट है। तो काफी सारे तरीके होते हैं इन क्वेश्चंस को सोचने के और चीजों को एलिमिनेट करने के, राइट। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं कि आप उसे कैसे करते हैं, राइट। एक क्वेश्चन है आपके लिए 3/9 और 16/81। ना इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई ये फ्रैक्शन तो काफी अलग लग रही है, लेकिन आप एक बात सोचिए, आपको ऐसे क्वेश्चन में ना जहां पर आप देखो आप 9 को 81 बना सकते हो, राइट, तो वो एलसीएम वाला मेथड काफी अच्छा रहता है यहां पर, क्योंकि गैप तो नहीं आप देख सकते। एलसीएम वाले मेथड में क्या होता है, अगर आप 9 और 81 का एलसीएम निकालते हो तो वो क्या होता है, वो तो 81 ही होता है, 9 तो कट जाएगा, तो आपने बस 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर हो जाएगा 9 9 81, 27 आ जाएगा, और इधर 81 81 कट के 16 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसीलिए ये भी बड़ा है। तो मैंने आपको काफी सारे तरीके बताए इन क्वेश्चन को करने के। अब आप चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में आपको आइडिया चाहिए तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन शेयर कीजिएगा चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे, और मैं आपको सॉल्यूशन बना करके उसका अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह आप लोग सीखते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू।